गोरखपुर प्रधान डाकघर में इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शाखा का उद्घाटन करने आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से देश के ग्रामीणों को काफी राहत मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाया है, इससे बीजेपी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है जिनके दम पर पार्टी बुलंदियों पर पहुंच रही है। श्री शर्मा ने कहा कि अभी बहुत सारे बेमेल गठबंधन ऐसे हैं जो अपने कार्यकर्ता और नेता से असंतुष्ट हैं। अभी आगे बहुत सारे ऐसे और नजारा देखने को मिलने वाला है। वहीं गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करने के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राहुल गांधी के शिव पूजन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भक्तों की भक्ति बनी रहे, यही भगवान से कामना करता हूं, लेकिन चुनाव के बाद कहीं भक्ति खत्म ना हो जाए, ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद फिर से कहीं इटालियन भक्ति शुरू हो जाए। श्री शर्मा ने राहुल गांधी को 25 दिसंबर और 1 जनवरी को इटली और स्विट्जरलैंड जाकर उत्सव ना बनाने की बात कही। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर श्री शर्मा ने कहा कि राम जी का काम राम जी स्वयं करा लेंगे। असमें जो आर्थिक समृद्धि का अभियान प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के जिस दिन शपथ ली है उस दिन से जो प्रारंभ किया है, 15 अगस्त को उनका भाषण करते करते जनधन योजना का प्रारंभ, शुरुआत में तो हम सब भी नहीं समझ पाए थे जनधन योजना का लाभ क्या होगा, लेकिन जिस प्रकार से 30 करोड़ से भी ऊपर जनधन के खाते खुले, हजारों करोड़ रुपया बैंक के खातों में गया, और उन व्यक्तियों ने जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके बैंक में खाते होंगे, उन लोगों को बैंक का खाता खोलने का अवसर मिला। और जब हम लोगों ने जो किसानों के ऋण की अदायगी का उपक्रम था जब उसको किया और सीधे उनके अकाउंट में खाते में पैसा भेजा गया, तब प्रधानमंत्री जी की दूरगामी योजना का पता हम सबको चला। आज पोस्ट पेमेंट जो बैंक है ये अनोखी योजना है, गांव-गांव तक एक बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है डाक खाने का, वो आज उसका एक अवसर पैदा करने का काम किया है इस ये नई योजना के माध्यम से। और पोस्ट ऑफिस के प्रति जो विश्वसनीयता का भाव था, और जब से पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और तार इन सब के का प्रभाव कम हुआ और वो बंद होने लगे, तो लोगों को लगा अब डाकखाने का महत्व समाप्त हो रहा है, अब डाकिया या जो और कर्मचारी हैं उनके लिए उपयोगी नहीं रह गया। ईमेल और एसएमएस ने उनकी महत्ता को कम किया था, लेकिन आज बैंकिंग व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाकर डाकिया जितने उनकी तनख्वाह में 55% की वृद्धि करके प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में अब कोई भार नहीं है, भार में से ही अवसर प्राप्त करके उसको एक नया स्वरूप देने का उपक्रम वो कर सकते हैं। ये जनक्रांति का एक वो स्वरूप है जिसको आज हम लोगों ने गोरखपुर में जो इसकी शाखा है इसका लोकार्पण करके किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी ये एक ऐसा अवसर प्रदान करेगा कि घर घर जन जन तक जो बैंकिंग सेवाएं हैं, तो चर्चर बैंकिंग व्यवस्था भी ठीक होगी और ग्रामीणों में एक उद्योग के प्रति भी उनका आकर्षण बढ़ेगा। गुरु जी, जिस तरीके से शिवपाल यादव ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? बीजेपी तो अपने कार्यकर्ताओं के बल पे फायदा उठा रही है, किसी के दल में क्या है, अभी आप देखते जाओ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेमेल गठबंधन से जिनके कार्यकर्ता और नेता, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे माकपा के हों, भाकपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, वो सारे के सारे असंतुष्ट हैं, नेता भी असंतुष्ट हैं, कार्यकर्ता भी असंतुष्ट हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते जाइए होता है क्या। मुझे एक सवाल और, राहुल गांधी जी भी शिव के चरण में चले गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाजपा से मंदिर की बात करती है लेकिन असली भक्त तो हम, भक्त की भक्ति बनी रहे यही भगवान से प्रार्थना है। सब तो बढ़िया है, चुनाव के बाद भक्ति खत्म ना हो जाए कि फिर वो पता चला कि इटालियन भक्ति शुरू हो जाए और नए न्यू ईयर मनाने के लिए फिर वो रोम और दूसरे देशों की भ्रमण ना करें। स्विट्जरलैंड भोले बाबा से उन्होंने भी मानता मानी होगी, हम भी मानते हैं भोले बाबा। अब ये इटली और स्विट्जरलैंड में पहले 9 वर्ष का और 25 दिसंबर का उत्सव मनाने के लिए जाना कम कर दें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है।